दोस्तों आज जो भाई आया है मेहमान हमारे पास, इनका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ गया है इनकी प्रोफाइल पर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ रहा है प्रोफाइल पर, क्या करे, काम करे या ना करे, करना छोड़ दे या फिर कंटिन्यू करे, करना क्या है भाई। आखिर टेंशन वाली चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है एक पॉलिसी इश्यू के कर, ठीक है। तो आखिर देखे दोस्तों, आपको डरना कब है और डरना कब कब नहीं है आपको थोड़ा समझना है। एक केस तो वो है कि जिसमें आपकी गलती है तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आया है। एक केस है कि जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वहां पर दिखा रहा है, ठीक है। तो दिखा रहा है तो उसको कैसे हटाएंगे, और वो हटेगा भी या नहीं भी हटेगा वो भी आपको देख लेना है अभी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं चला जाता हूँ उनके डैशबोर्ड पर और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, इन स्ट्रीम ऐड में गए और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर देखिए कांटा लगा हुआ है ना, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू की प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी हकीकत में है या फिर हकीकत में नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर टूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है अपना प्रोफाइल स्टेटस, ठीक है। प्रोफाइल स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसके बाद आएगा तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आ रहा है प्रोफाइल इज रिकमेंडेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी प्रोफाइल रिकमेंडेबल है, यानी कि प्रोफाइल हमारी ओर से सही है आपकी, हम इस प्रोफाइल को रिकमेंड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी वीडियो और फोटो या रील जो है जाए, ठीक है। दूसरा है एलिजिबल टू मोनेटाइज। तो यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टार के लिए तो भाई एलिजिबल है, और यहाँ पर आ रहा है इन स्ट्रीम एड क्राइटेरिया नॉट मीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, यहाँ पर कोई पॉलिसी इश्यू नहीं बताया इसने, बल्कि कहा कि क्राइटेरिया नॉट मीट, क्योंकि अभी इनके 60,000 जो व्यू मिनट है वो पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि प्रोफाइल का स्टेटस अभी तक सही है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर जाना है दोस्तों, देखिए मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बता रहा है नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, ठीक है। यहाँ इनके हिसाब से कोई मोनेटाइजेशन वायलेशन अभी तक नहीं किया हुआ है, बल्कि वहां पर दिखा रहा है कांटा लगा हुआ है, तो टेंशन वाली बात है। और आपके केस में हो सकता है कि डायरेक्ट यहीं पर आ जाए लिखा हुआ कि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ गया है या फिर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ गया है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से। देखिए इनके केस में तो उनको डरने वाली बात नहीं है, जब तक इनका क्राइटेरिया मीट हो यानी कि 60,000 व्यू मिनट पूरे हो, तो उस तब तक बस इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई सेक्सुअल कंटेंट ना बनाए, किसी को गाली गलौज ना करे, कोई कमेंटबाजी गलत सलत ना करे फेसबुक पर बैठकर, ठीक है ना। और जो भी मतलब यहाँ पर इस धरती पर गलत काम है वो फेसबुक पर भी गलती है, तो वो काम आपको बिल्कुल ना करे जब तक आपका क्राइटेरिया मीट हो, ठीक है। तो इनका तो जाएगा हट, इसको कर दो स्टॉप, आप हो गया। अब आपके केस में यदि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ रहा हो, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू आ रहा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जितनी आपने कॉपीराइट वीडियो डाल रखी है अपने पेज पर उनको डिलीट करना होगा आपको। अब आप लोग सोचेंगे क्योंकि वो वीडियो डालकर तो हमारा काम ही बना था, अब उनको डिलीट करना पड़ेगा, तो वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अंकल जी बैठे हैं, इन्होंने भी पता नहीं कितनी सारी वीडियो को डिलीट किया था, ठीक है, वो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लाइव आना होगा, अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी होगी कि हाँ फेसबुक पर कि भाई हम आदमी ही हैं, हमारा एक प्रोफाइल है, हम खुद काम कर रहे हैं, है ना, तो वो काम करना होगा। इसके साथ साथ आपको यदि म्यूजिक कोई यूज किया हुआ होगा आपने डायलॉग वगैरह में भी, थोड़ा बहुत गाना लगा दिया 15-20 सेकंड का, ठीक है, उसको भी हटाना होगा। इसके साथ साथ यदि कोई आपने ऐसी एक्टिविटी करी हो जो मतलब सही नहीं है एक तरीके से, सही किस तरीके से, मान लिया कि भाई आप नंगे बच्चे को किसी वीडियो में नहला रहे हो, अब आप सोचेंगे कि बच्चा नंगे हो नहला रहा है तो वो लोग बना रहा हूँ मैं, तो बच्चे को नहला रहा हूँ अपने, तुम बच्चे को नंगा भी नहीं दिखा सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये गाइडलाइन है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, मैं हर वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ बैठ के, ठीक है। नंगे गए थे वहां भी नहीं दिखा, नंगे बच्चों को नहीं दिखाना है आपने, ठीक है। बंदूक बम गोलाबारी अहिंसा हिंसात्मक ये सब ये कोई बातें आपको नहीं करनी है वीडियो में बैठकर, कहीं कोई कितने लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपको क्या लेना भाई, आपको वीडियो बनानी है बैठ के बस अपनी, ठीक है ना, जो काम कर रहे हो वो काम करना है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए फिर आप लाइव आएंगे, अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग वीडियो भी शॉर्ट भी और लाइव भी आएंगे, ठीक है। और ये काम आपको करना पड़ेगा लगभग 3 महीने तक, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने के बाद भी आपका ये हट जाएगा, हटने को ये हट जाएगा 15-20 दिन के बाद ही, जहां तक आज तक का सभी का ट्रैक रिकॉर्ड आया है, क्योंकि वो लड़का था एक का, उसका तो मैंने खुद ही हटवाया था बैठ के,
ठीक है, उसकी वीडियो बनाई थी मैंने लाइव एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको, तो उसका ऑलमोस्ट 35-36 दिन के अंदर हट गया था, ठीक है, फिर उसका स्ट्रीम एड ऑन भी हो गया था, लेकिन मेहनत यही करनी पड़ी थी जैसे मैंने भाई को बताया है ना, चलो आपको बता रहा हूँ। तो इस केस में आपको भी मतलब 3 महीने तक तो देखो करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपने सही से किया या फिर नहीं किया वो फिर डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। उसके बाद यदि नहीं हटता है तो फिर भाई देखो आपका लक है, तो ये कोई फिक्स भी नहीं है कि आपका हटेगा ही हटेगा, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन 90% केस में हट रहा है यदि आप इस तरीके से काम करते हो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, फेसबुक का कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है बेहतरीन जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे ये लगा लीजिए आप कि एक जियो कंपनी और एक जो है बहुत लोवेस्ट कंपनी, जियो की कितनी अच्छी पावर है और लोवेस्ट कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है कोई कस्टमर सपोर्ट रोबोट नहीं है, आपका कोई केस फंसता है ना वो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा दिमाग लगा लगा के, वो उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है भाई ये करो तो बस उसको करके देख लो। अरे वैसे हकीकत भी है उनके रोबोट, फेसबुक के जो रोबोट है AI एल्गोरिथम है आजकल, ठीक है, मशीन लर्निंग सिस्टम है काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, यदि आप उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के बिना कुछ के वो ऑटोमेटिक सही कर देते हैं, ना तो बताएंगे ना ही आपको सताएंगे, ठीक है, ये लगा लीजिए। अच्छा ये भाई है इनके जो प्रोफाइल है किस नाम से है, दिलसाद एस के नाम से प्रोफाइल है, भाई बहुत अच्छे कॉमेडी वीडियो बनाते हैं ना, हमारे रुड़की के पास ही लंडोरा गाँव है, कह लीजिए कस्बा एक तरीके से, तो वहां के रहने वाले हैं और आपको उनकी कॉमेडी वीडियो देखनी है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से बना रहे, अच्छी एडिटिंग कर दिया है, दिलसाद एस के प्रोफाइल को सर्च करना है आपको, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा, सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, आप क्या कहना चाहोगे? बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाई के लिए, ठीक है, हाँ। दिलसाद एस के, हाँ। और गुरुजी हमारे, ठीक है, इनकी वीडियो देख के सीखते हैं हम, जो कॉपीराइटर से आते हैं ना सब सीखना, वीडियो से देख के सीखते रहो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी अच्छे तरीके से बताते हैं समझाते हैं, वो आगे का रास्ता भी दिखाते हैं, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, समझ में आनी चाहिए इंसान को, जरूर देखो, इनकी वीडियो सारी देखेंगे तो सॉल्यूशन घर ही हो जाता है, आधा सॉल्यूशन तो।